Morning, all of you. So today we are going to start with the second part of small business chapter, that is entrepreneurship development. Okay, in old books you won't be finding this topic because this was added just 2 years back. So latest books mein hoga entrepreneurship development. Okay, bete, what is entrepreneurship? Entrepreneurship kya hota hai? जहां पर वर्ड शिप लग गया, ठीक है, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है, या आई एन जी लग गया, इट्स अ प्रोसेस. सो एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स अ प्रोसेस. प्रोसेस ऑफ व्हाट? सेटिंग अप योर ओन बिजनेस. व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? सेटिंग अप वन्स ओन बिजनेस. ठीक है, we know that there are three types of economic activities: business, profession, employment. So when you set up your own enterprise, you are doing business, which is distinct from profession or employment. aap kisi ke under kaam nahi kar rahe, aap koi profession practice nahi kar rahe, aap apna khud ka enterprise unit set up kar rahe. This is entrepreneurship, the process of setting up one's own business, as distinct from pursuing any other economic activity, be it employment or be it engaging in your profession. Theek hai? Now the person who sets up the business, he will be called as entrepreneur. ठीक है, who is the entrepreneur? The one who sets up his own enterprise or business. Then there is one more term, enterprise. Enterprise is the outcome of entrepreneurship. ठीक है, entrepreneur कौन है? जो business setup करता है. एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप बिजनेस. और जो बिजनेस सेटअप हुआ, आउटकम निकला, रिजल्ट निकला, वो क्या है? एंटरप्राइज. क्लियर? यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर गोइंग टू सेट अप अ शॉप, तो आप क्या हुए? एंटरप्रेन्योर. ठीक है, और जो आपकी शॉप है वो क्या हुई? एंटरप्राइज. क्लियर? So three terms are clear: entrepreneurship, entrepreneur person है, entrepreneurship process है, और enterprise outcome है of entrepreneurship. ठीक है, so entrepreneurship, besides providing self-employment to the entrepreneur, is responsible to a great extent for the creation and expansion of opportunities for other two economic activities. Teen tarah ki economic activities hai: business, profession, employment. Now it's an interesting fact, when you set up your own business, theek hai, you get self employed. एंटरप्रेन्योर को क्या मिलती है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. उसको किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल गई, वो एम्प्लॉयड हो गया. अपार्ट फ्रॉम गेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ही इज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एज वेल. आपने अपना एक बिजनेस सेटअप किया, आप वर्कर्स रखेंगे, मैनेजर्स रखेंगे, लॉयर्स रखेंगे, हो सकता है डॉक्टर्स भी रखें, हायर करें अपने वर्कर्स के लिए. ठीक है, विच मीन्स यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू मैनी अदर पीपल. नो, आपके अंडर वर्कर काम कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर को काम मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, और इन तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेना पड़ेगा. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट
देन यू ऑल्सो हायर लॉयर, लॉयर्स सीए डॉक्टर्स भी करने पड़ सकते हैं. दैट इज इट द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड्स नॉट ओनली टू दी बट ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन. ठीक है, सो विच मीन्स नाउ एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोसेस है दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हमने कंट्री बेटे देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आज आप अगर न्यूज पढ़ते हो तो यहां पर पढ़ लेना, नीति आयोग हैज पेग्ड द ग्रोथ रेट टू बी 10% इन दिस फिस्कल ईयर. अब आप जीडीपी ग्रोथ रेट, आप इस न्यूज को पढ़ोगे ना आपको 5 चीजें नहीं पता चलेंगी. आप लोग न्यूज नहीं पढ़ते हो ना, यू आर अनअवेयर ऑफ सच थिंग्स. नीति आयोग क्या है, नीति आयोग सुना है कभी? हाँ हाँ, 5-year plans एक बॉडी बनाती थी जिसको प्लानिंग कमीशन कहते थे. ठीक है, अब मोदी गवर्नमेंट के आने से उन्होंने प्लानिंग कमीशन को डिस्कार्ड करके नीति आयोग बना दिया. नीति, नीति को हिंदी में वर्ड लें तो क्या है, पॉलिसी. नीति का मतलब क्या होता है, पॉलिसी. आयोग कमीशन, बट एक्चुअली नीति इज एन एक्रोनिम. इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ठीक है, अब 5-year plans नहीं होते हैं, हमारा जो 5-year plan था वो खत्म है, अब 5-year plans हम नहीं बनाते. ठीक है, इसके बारे में प्लस टू में भी पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में, लेकिन फिर भी आपको प्लस वन में भी पता होना चाहिए. फिर इट हैज पेग्ड द ग्रोथ रेट टू बी 10% फॉर दिस फिस्कल. फिस्कल का मतलब क्या है, फिस्कल मतलब बेटे फिस्कल होता है इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर. कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंशियल ईयर पता है ना, है ना, तो फाइनेंशियल ईयर इस फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो हमारा फिस्कल ईयर है उसमें 10% ग्रोथ रेट होगा. अब अनदर टर्म ग्रोथ रेट इन जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो एक वर्ड में अगर मैं बताऊं बेटे, आप मेरे को डेफिनेशन तो बताने लग गए लेकिन एक्चुअली में आपको पता चल रहा है क्या, लेवल ऑफ आउटपुट. व्हाट इज जीडीपी, यानी अगर पिछले साल इंडिया का जीडीपी 100 करोड़ था, इसका मतलब इंडिया में एक साल में 100 करोड़ के गुड्स प्रोड्यूस हुए थे. ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, 10% ग्रोथ रेट होगा, यानी नेक्स्ट ईयर 110 करोड़ का आउटपुट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, अब ये ग्रोथ कैसे हुई, आप बोलो मैम ये तो आउटपुट बढ़ रहा है, ग्रोथ कुछ लग रहा है, क्लिक करे बेटे, जितना आउटपुट है, आउटपुट एंड इनकम दीज आर सिनोनिम्स इन इकोनॉमिक्स. जितने सिनोनिम्स का मतलब ये नहीं है कि सिनोनिम मींस जितने का आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है ना, जब मैंने कहा जीडीपी कितनी है, इसका मतलब इंडिया में 100 करोड़ की इनकम जनरेट हुई. ठीक है, अगले साल कितनी हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, टारगेट क्या है, तो 10% ग्रोथ रेट ही हुआ ना फिर, आपकी इनकम 10 करोड़ बढ़ गई. ठीक है, जीडीपी मींस लेवल ऑफ आउटपुट. व्हाई जीडीपी इज टेकन एज एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, बिकॉज जीडीपी इंप्लाइज इनकम, लेवल ऑफ आउटपुट इक्वल्स लेवल ऑफ इनकम. अब कितनी नई बातें पता चली एक हेडलाइन से. ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज बेटे गो फॉर न्यूज पेपर रीडिंग, दिस इज माई सजेशन टू यू. ऑल राइट, सो हम ये कर रहे थे कि अब देखो एंटरप्रेन्योर ने एक एंटरप्राइज सेटअप किया, उससे उसकी इकोनॉमी में आउटपुट, सॉरी उसकी इंडस्ट्री में आउटपुट बढ़नी शुरू हुई, मोर ओवर इनको भी इंप्लॉयमेंट मिली, यानी इन्होंने भी आउटपुट, एवरीबडी इज इंडल्जिंग इन आउटपुट बेटे, चाहे वो गुड्स की है चाहे वो सर्विसेज की है.
ये प्रोफेशनल्स क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी हमारी जीडीपी में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस खुलेंगे उतनी ज्यादा आउटपुट बढ़ेगी या नहीं, सो विच मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। नाउ गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ गया, मतलब हमारी कंट्री को हमने ग्रो करना है, हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, जीडीपी ग्रोथ का मतलब आउटपुट में इंक्रीज होना चाहिए। आउटपुट कैसे इंक्रीज होगा, अगर हम ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में इंडल्ज होंगे, सो इट्स एन क्रूशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो व्हेन यू मेक दिस चॉइस यू बिकम अ जॉब प्रोवाइडर रादर देन अ जॉब सीकर। जब आप जॉब प्रोवाइडर बनते हो तो बिसाइड्स एंजॉइंग अ होस्ट ऑफ अदर फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स, एक तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के बाद जॉब सीकर नहीं हो, आप जगह जगह जॉब नहीं ढूंढ रहे हो, आप जॉब प्रोवाइडर हो, उसके अलावा आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिल रहे हैं, यू आर योर ओन मास्टर, है ना, यू हैव योर ओन वर्किंग आवर्स, यू डोंट हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ योर एम्प्लॉयर, ठीक है। सो टेकिंग एंटरप्रेन्योरशिप इज श्योरली मोर ए मैटर ऑफ एस्पायरिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर रादर देन एज बीइंग बोर्न एज वन। सो एंटरप्रेन्योरशिप को हम डिफाइन कैसे करते हैं बेटे, इट इज अ सिस्टमैटिक, मतलब एंटरप्रेन्योर का मतलब ऐसे नहीं है कि मैम वो ये तो शुरू से ही एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर की तरह बात करता है, इसने तो बिजनेसमैन ही बनना था। सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ बीइंग बोर्न वन, ये वो कोई वो आर्टिस्ट ऐसा वाला आर्टिस्ट नहीं है कि आपको ड्राइंग आपको नेचुरल टैलेंट है तो आप आर्टिस्ट बन सकते हो, अगर आपको नहीं आती है पेंटिंग करनी तो आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते हो, या म्यूजिशियन आवाज आपकी अच्छी है तो आप बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते। इट्स नॉट द मैटर ऑफ बीइंग बोर्न वन, ठीक है, इट्स द मैटर ऑफ बीइंग एस्पायरिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर यू कैन इनकल्केट दो स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन यू, ठीक है। सो हाउ डू वी डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज अ सिस्टमैटिक purposeful and creative activity, ठीक है। सबसे पहले मैं तोड़ तोड़ के बोल रही हूं, entrepreneurship is a systematic, एक systematic activity है, ये नहीं है कि all of a sudden कोई काम कर लिया तो वो entrepreneurship हो गया, सिस्टमैटिक है, पर्पसफुल है, विद सम पर्पस इन माइंड यू आर डूइंग इट, क्रिएटिव एक्टिविटी, ठीक है। यू हैव टू बी इनोवेटिव, यू हैव टू बी क्रिएटिव, हो सकता है आप कोई पुरानी चीज ही बेच रहे हो, ये नहीं मैं कह रही कि हमेशा नई चीज बेचना ही एंटरप्रेन्योरशिप है, पुरानी चीज ही बेच रहे हो तो आप उसको किस ढंग से बेचते हो, that is entrepreneurship. So long time back I always give this example, long time back mobile phones ke bill aate the, hai na, abhi bhi waise jinka postpaid hai bill aate hain, then what happened, ek nayi innovation aayi, Reliance ne kya kiya, unhone prepaid kar diya, matlab aapke sim mein aap jitne ka recharge karaoge उतने का कंज्यूम कर पाओगे, उसके बाद आपका फोन चलना बंद हो जाएगा। सो इवन दो पीपल आर पेइंग इन एडवांस बट दे रियली फाइंड इट वेरी वेरी कन्वीनियंट टू गेट अ रिचार्ज कूपन फ्रॉम एनीवेयर, चाय वाले से आप 10 रुपए का 100 रुपए का 200 रुपए का वाउचर डलवा लेते हैं, है ना। पहले तो ऐसे होता था, हम उसको लेते थे, स्क्रैच करते थे, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता था, उसको फोन में फीड करते थे, फिर वो 50 रुपए 100 रुपए हमारे फोन में आते थे। टुडे वी टेल द पर्सन कि भी आप वो वहीं से हमारे वो फोन में, हाँ जी कौन से, ये क्या है, दो दो ड्यूटी पीरियड है, ड्यूटी भी है 2 घंटे की, वो किसी के साथ नहीं शेयर की,
ठीक है. सो दिस इज दे आर गिविंग द ओल्ड सर्विस बट इन अ न्यू वे. रिचार्ज कूपन दे रहे हैं आपको. कभी आपने सुना था आपका मोबाइल के फोन का बिल जो है वो राशन वाले ग्रोसरी वाले से मिल जाएगा? नहीं, आज आपको मिल जाता है ना, रिचार्ज कूपन. सो इट्स अ क्रिएटिव वे ऑफ आइडेंटिफाइंग अ नीड. सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, पर्पसफुल एक्टिविटी है, क्रिएटिव एक्टिविटी है ऑफ आइडेंटिफाइंग अ नीड. लोगों की जो नीड है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेस को मोबिलाइज करना है, इकट्ठे करना है और प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करना है. इन सब से क्या होगा, पर्पस क्या है? लोगों की नीड आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, रिसोर्सेस इकट्ठे कर लिए, प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कर लिया. किस लिए किया? वी हैव टू डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर्स. ऑल दिस इज बीइंग डन टू गिव वैल्यू टू द कस्टमर्स. कस्टमर को वैल्यू देनी है, इन्वेस्टर को रिटर्न देनी है और अपने आप को प्रॉफिट देना है. सो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप इट्स अ प्रोसेस और इट इज अ सिस्टमैटिक पर्पसफुल क्रिएटिव एक्टिविटी. एक्टिविटी ऑफ व्हाट? आइडेंटिफाइंग नीड. व्हाई आर वी आइडेंटिफाइंग नीड? यस, आफ्टर आइडेंटिफाइंग नीड क्या करना है? मोबिलाइज करने हैं रिसोर्सेस और रिसोर्सेस को इकट्ठे करके क्या करना है? प्रोडक्शन करनी है. इस प्रोडक्शन करके हमने क्या करना है? इस प्रोडक्शन से हमने कस्टमर को वैल्यू एडिशन करके देनी है और इन्वेस्टर को रिटर्न देनी है और खुद के लिए सफिशिएंट प्रॉफिट्स जनरेट करने. जोमैटो ऐप एक खुला, जब उन्होंने ऐप बनाया, इट्स अ सिस्टमैटिक पर्पसफुल. व्हाट वाज़ द पर्पस बिहाइंड इट? टू मेक लाइफ इजी फॉर पीपल, टू मेक देम थिंग्स अवेलेबल टू देम एट होम, घर बैठे उनको कुछ खाना मिल जाए. और क्रिएटिव एक्टिविटी ऑफ कोर्स, इससे पहले किसी ने नहीं सोचा, ऑफ आइडेंटिफाइंग अ नीड. नीड आइडेंटिफाई की बेटे, एक तो नीड आइडेंटिफाई की कि घर बैठे बच्चों को आजकल खाने बाहर खाने का मन करता है, ठीक है, या जब स्विगी नया नया, पहले जोमैटो से पहले आई गेस स्विगी आया था, उसकी एड आती थी, यही एड आती थी कि आपका गुलाब जामुन खाने का मन है, यू आर अलोन एट होम, तो आप 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर एक गुलाब जामुन तो लेने नहीं जाओगे. इफ यू आर डायबिटिक पेशेंट, आपको कभी कभी खाना है, तो आप 1 किलो गुलाब जामुन लेने के लिए 1 किलो लेके आओगे अगर जाओगे तो, है ना, इससे कम क्या लेके आओगे और इतने दूर आप कार उठा के लेके जाओगे. सो यू फील लाइक हैविंग, यू ऑर्डर्ड ऑन जोमैटो एंड वन सिंगल गुलाब जामुन इज देयर एट योर प्लेस. ठीक है, यू हैव आइडेंटिफाइड अ नीड. और कई बार नीड आइडेंटिफाई की जाती है और क्रिएट भी की जाती है. कोई 10 लोग होंगे जिनका गुलाब जामुन खाने को मन कर रहा था, अब वो एड देख के 1000 लोगों का करेगा, दे विल ऑल्सो ऑर्डर बिकॉज इट्स नाउ कन्वीनियंट, इट्स अवेलेबल एट देयर डोर स्टेप, इजंट इट? ठीक है, सो नीड को आइडेंटिफाई किया उन्होंने, फिर रिसोर्सेज इकट्ठे किए कि इस नीड को कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा, प्रोडक्शन स्टार्ट की, ठीक है, जिससे कि कस्टमर को क्या मिल सके? वैल्यू. और इन्वेस्टर को क्या मिल सके? रिटर्न. और खुद को प्रॉफिट्स इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क्स एंड अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद द बिजनेस. सो ये जो प्रॉफिट्स हैं ये अनलिमिटेड नहीं है, दे आर रिलेटेड टू द अनसर्टेनिटीज. अगर अब लॉकडाउन लगा था तो ऑब्वियसली जोमैटो स्विगी का बिजनेस डाउन हो गया होगा, है ना. सो इन अकॉर्डेंस विद द अनसर्टेनिटीज ऑफ द बिजनेस एंड रिस्क्स एसोसिएटेड विद इट. ठीक है, सो ये जो बेटे
एंटरप्रेन्योरशिप है, इट डज नॉट एमर्ज स्पॉन्टेनियसली, एकदम से नहीं आती है, इट्स एन आउटकम ऑफ द डायनेमिक प्रोसेस। ये डायनेमिक मींस एवर चेंजिंग प्रोसेस है ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ पर्सन एंड हिज एनवायरमेंट। आप अपने एनवायरमेंट से कितना इंटरेक्ट करते हैं उससे आपके पास आइडियाज आते हैं, आप सोचते हो आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या जरूरत है लोगों की, ऐसी कौन सी जरूरत है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही, हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, व्हाट डू पीपल वांट। ठीक है, सो बायजूस इज एन ऐप, सो दे आइडेंटिफाइड दिस नीड के भी बच्चों को बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है और आज के बच्चे का जो माइंड है वो टीचिंग लर्निंग ऐसे जितना सुनने में वो इतना एब्जॉर्ब नहीं करता जितना उसको विजुअल इफेक्ट्स उसके माइंड में रिटेन हो जाते हैं। सो दे केम अप विद दिस यू नो ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स। सो टुडे बायजूस इज एट इट्स टॉप, यू नो पीपल आर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, दो तीन फॉरेन इन्वेस्टर्स बायजूस में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, इट वॉज जस्ट स्टार्टेड बाय सिंपल टीचर, एक साउथ का एक टीचर है बायजूस नाम का, तो उसने स्टार्ट किया था, नाउ इट्स बिकम एन ऐप एंड इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो आई नीड को आइडेंटिफाई करना, मतलब ये एक स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी नहीं है कि एकदम से शुरू हो गई, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ए पर्सन विद हिज एनवायरमेंट। ठीक है, सो नाउ लेट अस कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बेटे ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है इसमें इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं। क्या बोला मैंने, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? सिस्टमैटिक एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी। ठीक है, इट्स नॉट ए मिस्टीरियस गिफ्ट और चार्म और समथिंग विच हैपन्स बाय चांस, एकदम से नहीं होती है। ठीक है, इट्स अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी। आज आप जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हो ऐसा नहीं है कि उनको एकदम से वो गए और उन्होंने कोई सोने की खान मिल गई और उन्होंने सोने की खान को निकाल के और सोना बेच दिया और वो रिच हो गए। दे हैव डन एफर्ट्स। ठीक है, सो उन्होंने सिस्टमैटिकली सब कुछ अचीव किया है, स्टेप बाय स्टेप किया है, गॉट इट? सो एक सिस्टम एक फॉलो किया है, एक प्लानिंग की है, तभी वो आज फ्रॉम स्क्रैच दे हैव रीच्ड एट द टॉप। सो इट्स हैज सर्टन टेम्परामेंटल स्किल एंड अदर नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट्स। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, टेम्परामेंट चाहिए। ठीक है, इनमें से कुछ चीजें आप में नेचुरल होती हैं और अगर नहीं है तो यू कैन ऑलवेज एक्वायर देम। टुडे सो मेनी बिजनेस स्कूल्स आर देयर, आप बिजनेस की स्टडी कर रहे हो। ठीक है, पहले ये नहीं होती थी बिजनेस की स्टडी, अब है, तो यू कैन एक्वायर नॉलेज। आप अपने एक्सपीरियंस से, आप अपने ऑब्जर्वेशन से ये चीजें सीख सकते हो। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।